आप सांसद स्वाति मालीवाल बदसलूकी और मारपीट मामले के बाद दिल्ली में सियासी वार छिड़ा हुआ है। इस बीच नया मामला सामने आया है। आपके नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर लिखी गई है। इसके अलावा मेट्रो पर भी धमकियां लिखी पाई गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी नफरत और बदले की भावना में ऐसे डूबे हुए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की जान लेने की साजिश रच रहे हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़े खतरे और एक बहुत बड़े हमले की तैयारी के संबंध में है। ये प्रेस वार्ता पीएमओ के द्वारा संचालित हमले की योजना के संबंध में है। जब से केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, लगातार ये प्रयास हो रहा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गृह मंत्री ने सवाल उठा दिया और इतने बौखलाए हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए तैयार है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि ऐसे हमले की योजना करने के लिए तैयार है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। और आप सब लोग जानते हैं, बीजेपी ने कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश की है, कोई पहली बार नहीं। और आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है। मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे मेरा सीधा आरोप है, यह हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है, और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत, घृणा और भदले की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस कदर नफरत और बदला लेने की भावना में उतर आई है कि वो केजरीवाल की जान लेने तक के लिए तैयार है। अब चुनाव में नहीं जीत सकते तो ये सब हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव में आप हार रहे हैं तो आप बौखला के कुछ भी करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार से केजरीवाल पे हमले हो चुके हैं। मैं साफ तौर पे शासन को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को, सबको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमला केजरीवाल पर करने की तैयारी है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सीधे सीधे इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होंगे। और आप जानते हैं, हम कोई ऐसी बात बेबुनियाद हवा में नहीं करते। 23 दिन तक जेल के अंदर इंसुलिन न देना, वो तो हम लोग न्यायालय गए तो उनकी जान बच पाई, वरना तो जेल में भी एक बड़ा षड्यंत्र था। शायद उस षड्यंत्र को समझ के सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। और ये देखिए आप, ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पटेल नगर मेट्रो स्टेशन की
फोटो है। ये अंकित गोयल नाम के व्यक्ति की फोटो है, उसके द्वारा लिखी गई धमकी है। और अगर ये अंकित गोयल, ये जो इसने धमकी लिखी है, इसकी भाषा को आप पढ़ेंगे तो ठीक वही भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। इस अंकित गोयल की भाषा वही भाषा है, इसकी धमकी वही धमकी है जो बीजेपी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी रोज बोलती है। ये देखिए, ये पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो के अंदर ये खुलेआम धमकी लिखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला करने की खुलेआम धमकी लिखी जा रही है। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे अब तीन बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को खुलेआम हमला करने की, मारने की धमकी दी जा रही है। और कहीं कुछ नहीं, सब सन्नाटा। तो इसलिए इस संबंध में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की तरफ से चुनाव आयोग को हम पत्र भी लिख रहे हैं। और कुछ भी अगर केजरीवाल को खरोंच भी आती है तो इसके लिए सीधे तौर पे पीएमओ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। यह हम पहले से ही आगाह कर दे रहे हैं आपको।